भाई सबसे पहले तो N27 से स्टार्टिंग हुई है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल ब्लॉग लेकर आया हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात स्पेशल क्यों है, क्योंकि भाई जो कैमरा लवर है ना, उनके लिए तो भाई साहब सबसे ज़्यादा स्पेशल है। और क्यों? क्योंकि भाई ये चारों तरफ है ना, आपको कैमरे दिखाई देंगे। मैं आया हूँ म्यूसियो कैमरा गुड़गांव। ये गुड़गांव का मतलब पहला एक, मैंने अभी तक ये देखा नहीं है यहाँ पर, मतलब जहाँ कैमरे की गैलरी वगैरह हो, कहीं कैमरे का म्यूज़ियम टाइप का हो, तो उसी टाइप का कुछ बनाया हुआ है। मैं यहाँ आया हूँ पहली बार, फर्स्ट टाइम। मैंने जनरली एजुअली मैं वैसे ही गूगल मैप पर सर्च कर रहा था कुछ गुड़गांव की जगह, तो मुझे ये दिखाई दिया और फिर मैं यहाँ अभी बस घूमते घूमते आ गया। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि कैसे क्या है, और कुछ यहाँ के भी सिनेमेटिक मोड्स वगैरह भी कुछ मैं आपको ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत। बाकी देखते हैं क्या है अंदर, क्या सीन है, क्या किस टाइप का बनाया हुआ है, मुझे पता नहीं है, बाकी अंदर जाके पता चलेगा। सबसे पहले तो भाई ये ऑटो मिला हमें, ये देखो एंट्री पे। वैसे इस जगह की ना बहुत कम वीडियो बनी हुई है, जैसे 4-5 महीने में वीडियो देखी हुई है। मैं भी यही आप लोगों की तरह बस देखता हूँ जगह को, एक्सप्लोर करता हूँ क्या है इधर, क्या खासियत है। मतलब शायद यहाँ एंट्री टिकट वगैरह भी है, और अभी मैं बताता हूँ सारा कुछ। बने रहिए मेरे साथ एंड तक वीडियो में, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट करो थोड़ा सा। और ये रही एंट्री, एक पुराने जमाने की एम्बेसडर भी खड़ी हुई है। भाई सबसे पहले तो एंट्री आप करोगे ना, सबसे पहले कैमरा मिलेगा, फिर इधर आपको टिकट्स वगैरह मिलेगी। वाह अमेजिंग, मुझे टिकट मिल गई है और अब जा रहा हूँ मैं अंदर। वाओ, भाई सबसे पहले आप एंट्री करोगे ना तो आपको करीब 200 की टिकट मिलेगी। मैं सबको क्लियरली बता दे रहा हूँ, मैंने अब तक का जो भी ब्लॉग वीडियो वगैरह देखे है ना, वो शायद ही किसी ने बताया नहीं उसमें, लेकिन मैं क्लियरली बता रहा हूँ 200 की टिकट है आपको यहाँ आने से पहले पर पर्सन। और स्टार्टिंग यहाँ से लेंस वगैरह से करते हैं, करीब बहुत सारे कैमरे हैं भाई, हज़ारों कैमरे हैं। फर्स्ट कैमरा था जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और फिर ये सेकंड कैमरे, मतलब जो गैलरी से हम थोड़ा अंदर आए हैं और ये घुसे हैं। और ये देखिए आप, ये रहा जो बैठ के पहले कैमरे, मैं जो फ़ोटो शूट वगैरह होते थे, ये देखिए राजा महाराजा टाइप के, यू नो। और यहाँ देखिए सारे डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर, ये हैं इन्वेंटर 1835 27 से स्टार्टिंग हुई है ये, फिर 30 41, मतलब पूरी यहाँ आपको कैमरे की डिटेल्स वगैरह मिलेगी। ये देखिए कैमरा लो साइड आ, वाओ इट्स अमेजिंग यार। ये देखिए सबसे पुरानी से पुरानी फ़ोटो, भाई सीरियसली बता रहा हूँ ना, इतनी अमेजिंग जगह है यहाँ पर, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को किस, मतलब जिस, मतलब पुराने से पुराने आपको यहाँ पर लेंस वगैरह जो भी हम कैमरा में पहले यूज़ करते थे वो सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर, पुराने से पुराने कैमरा। मैं सीरियसली बताऊँ, ऐसा म्यूज़ियम मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है कि जो कैमरे के ऊपर इतनी मतलब डिटेलिंग में बताया हो कि यहाँ से शुरुआत हुई कैमरे की, यहाँ से ये फ़ोटोज़ वगैरह हर चीज़। भाई हम भी फ़ोन में कैमरा चलाते हैं, हम भी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन भाई कम से कम जो कैमरा लवर है ना, जो इस टाइप से रिलेटेड है ना भाई, उनको भाई बिल्कुल एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर देखने के लिए कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई कैमरे वगैरह की। तो ये रही सारी डिटेल, ये देखिए लेंस,
मुझे पता नहीं है कौन सा कितना उसका है, लेकिन सारी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन। ये देखिए एक यहाँ पर, ये मुझे अच्छी लग रही है, ये अपने आप चेंज हो रहा है, ये भी अच्छा बनाया हुआ है। वाह यार अमेजिंग, इतने ज़माने ज़माने के कैमरे। ये देखो इधर भी कैमरे लगे हुए हैं सब जगह, चारों तरफ आपको कैमरे कैमरे दिखाई देंगे। मैं तो खुश हो गया कैमरे देख के। वाह इट्स अमेजिंग सुपर। सीरियसली बता रहा हूँ मैं तो यहाँ आ गया हूँ अकेला, लेकिन है ना किसी को भाई साथ लेकर जरूर आना चाहिए, ये अच्छी यार। वाह यार मजे आ रहे हैं वैसे, इट्स अ गुड बेहतरीन जगह है भाई, बेहतरीन, एक बार आना जरूर है भाई। मतलब पूरा फुल समझ लो स्टूडियो टाइप का बनाया हुआ है चारों तरफ, जहाँ से पूरा स्टूडियो टाइप का बनाया हुआ है। स्टूडियो तो है ही, खैर बनाया क्या है, मैं ना बकवास ज़्यादा करने लगा हूँ ऐसे। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ये देखिए अब इतना बड़ा कैमरा कौन चलाता होगा, ये भी राजा महाराजा के ज़माने का। ये देखिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना उस टाइप का आपका लाइट्स वगैरह भी ऑन हो जाती हैं। वाओ नाइस, मतलब आपको यहाँ से फोकस निकल रहा है, यहाँ जा रहा है सीधा। यह है कोटैक, पता मेरा जो झांसी वाला घर है ना उसमें भी है ना कई इसी टाइप के कुछ, ये जो कवर वगैरह लगे हुए हैं ना, ये बॉक्स वगैरह, ये भी मतलब पापा वगैरह, पापा ने दादाजी ने ना ले रखे हैं कैमरे मेरे भाई। शुरू से ही समझ लो कैमरे में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, मतलब क्यों रहेगा भाई जब यार घर वाले ही मतलब अपना वो करते हैं कि मतलब पहले क्या है बाबा को भी शौक था फोटोग्राफी वगैरह का, पापा को भी अच्छा नहीं है शौक है, तो भाई मुझ में क्यों नहीं होगा। और मुझसे भाई वो जो छोटा आदि है मेरा मेरा सन, उसको भी भाई तलब लग रही है ऐसे, तो वो भी फोटो खिंचवाने में एक्सपर्ट हो रहा बिल्कुल। और देखो तुम्हें सारी ये देखी थोड़े थोड़े है ना क्या है, ये देखो पहले वो कैमरे, फिर इसके बाद ये वाले, इनोवेशन थोड़ा और ज़्यादा होता गया तो कोटेक के ये वाले पुराने कैमरे 1960-63 तक ये चले। ये देखो DSLR डिजिटल कैमरा आया आपका 2004, फिर ये छोटे कैमरा, ऐसा कैमरा भी था मेरे पास, इस टाइप का कुछ है इस टाइप का, ये रील वगैरह चली थी। चलो भाई अब चलते हैं एग्जिट, और जगह दिखाते हैं आपको। ये देखो इंस्टा कैमरा, सबसे पहले फर्स्ट म्यूजियम में गए थे, अब जाएंगे सेकंड वाले में। सेकंड है म्यूजियम, हाँ सेकंड भी म्यूजियम है, अब जैसे सेकंड वाले में जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ भी। भाई बहुत पुराने पुराने कैमरेज वगैरह हैं। ओह वाह ये देखिए लाइट कैमरा एक्शन, क्या जगह है, जगह तो ठीक है भाई यार, कितने सारे कैमरे इकट्ठे कर रखे, ये जापान का कैमरा, वेलगुआ कैमरा, कोरोना, राय। वाह यार ये देखो प्रोसेसिंग कैमरा, प्रोसेस कैमरा, अभी कितना बड़ा कैमरा है, इसके आगे कैसे बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं। मेरे हिसाब से ये सारा ना बंद होता होगा फिर खुलता होगा, इतना बड़ा कैमरा किस जमाने का। ये है आजकल जिसका सबसे ज्यादा नाम है भाई कैनन, ये देखो कैनन के कैमरे 1937। लोगो सबसे पहले लोगो ही बन गया था 1933 में, वाओ। ये है शायद वीडियोग्राफी वाले कैमरे हैं ये, जिससे वीडियोस वगैरह शूट होती हैं, अब तो यार फोन से ही हो जाता है सब कुछ। ये है निकॉन, निकॉन भी भाई बहुत नाम है, ये रहा निकॉन का भी, आप पढ़ लो सारी हिस्ट्री वगैरह अपने आप ही, बढ़िया बनाया हुआ है। ओह वाओ कैमरा
एयरक्राफ्ट, ये शायद उड़ते होंगे ना, आजकल के ड्रोन टाइप के कैमरे चल रहे हैं उस टाइप में ही है मेरे को तो लग रहा भाई, पता नहीं भाई कौन से, लेकिन अच्छे हैं। अच्छा ये वाले कैमरे हैं, ये देखो पीछे दिख रहे हैं ना आपको, जो इसकी फोटोज़ वगैरह खींची हुई है, ये वाली है के शूम ओवर क्लाउड नागासाकी जापान 9 अगस्त 1945। ये वो वाला है जो शायद परमाणु बम विस्फोट वगैरह होता ना, तब उस टाइम में ना जो फोटोज़ वगैरह खींची गई थी ना, तो इन्हीं टाइप के कुछ कैमरे से खींची गई थी, तो ये उसी का ही लिखा हुआ है, नकासी जापान 1945। हाँ हाँ स्टूडियो, ये वो है, मैं बताऊँ आपको प्रिंटिंग वाली जगह के, मतलब जैसे हम निकालते हैं ना, वाह यार सबसे बढ़िया चीज़ तो यही निकल रही है, ये फिल्म वाली है जो फिल्म वगैरह निकालते हैं ना, जो पानी में डाल के वो रील वगैरह बनती थी पहले, जो कोटैक की, कोटैक मतलब बहुत कंपनी की, मुझे तो पता नहीं है लेकिन हाँ बहुत सारी बनती थी, थोड़ा बहुत तो भाई एक्सपीरियंस है उस टाइप की है। ये देखिए रील भी वगैरह रखी हुई है यहाँ पर कि जिससे पिक्चर वगैरह क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है, ये रहे कलर वगैरह ऐसे डालते थे। ये पूरे म्यूज़ियम में ना मैं अकेले घूमता हूँ क्योंकि भाई बहुत कम लोग विजिट करते हैं ना, किसी मतलब बहुत कम लोगों को पता हुआ इस जगह के बारे में, इसलिए ना भाई कम ही आते हैं। अब चलो भाई यहाँ से भी एग्जिट करते हैं बाहर, बाहर एक स्कूटर रखा है ये देखो। ये देखिए मतलब साइज वगैरह दिखाए हुए हैं यहाँ पर, मेरे मतलब की चीज कुशन कवर, भाई इसको ही लगा के सो जाओ। वाह गांधी जी की फोटो, ये है हिस्ट्री इन द मेकिंग विजुअल चीफ कुलवंत राय द गांधी कलेक्शन। अच्छा ये महात्मा गांधी के टाइम के हैं। ये देखिए इसमें मतलब चार्जेस वगैरह भी लिखे हुए हैं। ये देखिए कैमरा के प्रिंट, ये रहा 75,000 का कैमरा उस जमाने का, मतलब यहाँ एसेसरीज वगैरह रखी हुई है सारी, ये आज के ज़माने के लेंस, ये है अच्छी चीज़। भाई इस वाले म्यूजियम से भी निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। भाई सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी जगह है, एक और विजिट लायक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मुझे कहा ना बहुत ज़्यादा मज़े आ गए यहाँ घूम के। और अभी ये है म्यूज़ियम वो वाला जहाँ मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं, जो मतलब पुरानी वाली फ़ोटोज़ खींची गई हैं, क्लिक की गई हैं पुरानी टाइप की फ़ोटो, ये देखिए लेटर वगैरह, ये मतलब गांधी जी के टाइप, गांधी जी का वो आर्ट गैलरी बनाई हुई है यहाँ गांधी जी वाली, तो वो सारी उस टाइप की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए फोटोज़ वगैरह, ये है गांधी जी का रूम, भाई बैठने के लिए भी है, कोई थक जाए ना तो बैठ जा। भाई मेरे को ना बहुत मज़े आ गए यहाँ आके, सही बता रहा हूँ, मेरा तो दिल खुश हो गया एकदम। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कहाँ और क्या क्या सीन है, एक और अभी ऊपर स्टेयर्स नहीं साइड भी है, दूसरी साइड भी अभी दूसरी साइड भी चलेंगे अभी। ये देखो फोटो है 1987 की, विडोज लिविंग वृंदावन, हाँ वृंदावन की फोटो है, मेरा विलेज बेटी बचाओ,
ये देखो वेपन्स, वाह क्या बढ़िया खींची है, 1995। ओह प्राइम मिनिस्टर की फोटो, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996। ये देखिए यहाँ सारे ड्रिल में लिखा हुआ है, नाइस 1997 में। वाह विक्ट्री फ्लैग, ये देखिए करगिल 1999, करगिल वाल, वाह जय हिंद। ओह ये देखिए कुंभ मेले की, यह 2001 2001 की फोटो आई है, कुंभ मेले की, बहुत अच्छी है। अरे ये पहले भी चलता था लव। ये देखिए अयोध्या 2002, देखिए आईज ऑफ स्टॉर्म, अयोध्या राम राम सीता राम, ब्लैक एंड वाइट। ये देखिए अयोध्या, ओहो ये आगे किंगफिशर के मालिक, और ये है 2006 2007। ये देखो भाई मैं भी फीडबैक दूंगा, ऐसा तो है नहीं भाई, जब बढ़िया बना रखा तो भाई फीडबैक देने में क्या जाता है। माय नेम इज, अरे हाँ ठीक है जो भी है, चलते हैं भाई और ऊपर सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर इज डन, ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले म्यूजियम है, फर्स्ट फ्लोर पर मतलब जो भी पॉपुलर पिक्चर्स है वो है, और सेकंड पे भी आई थिंक वही है, गेट बाय आदित्य आर्य। वाह ये यहाँ भी मतलब फोटोज वगैरह आए हैं, ये नीचे भी देखा था और यहाँ भी है ऊपर। भाई ये था आज का ब्लॉग, मीशो कैमरा म्यूज़ियम, म्यूज़ियम ही कह सकते हैं आप इसको। और भाई इसका एड्रेस है श्री गणेश आचार्य मंदिर रोड, DLF फेस 6, सेक्टर 28, गुड़गांव। और भाई आप भी आ सकते हो, आप भी विजिट कर सकते हो, और भाई सब बहुत अमेजिंग है, सही बताओ एक बार आने के लिए तो है, क्योंकि आपको मज़े आ जाएंगे भाई कैमरा देख देख के। ऐसे ऐसे पुराने पुराने कैमरे हैं, करीब 1000-1500 पुराने कैमरे होंगे, कहो बहुत ज़्यादा, बहुत उससे भी ज़्यादा हो, और कई साल पुराने कैमरे हैं, दो दो ढाई ढाई सौ साल पुराने भी कैमरे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, तो भाई बिल्कुल एक बार ज़रूर आएँ। और अगर आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना GKS ट्रैवलर। फिर मिलते हैं नई जगह पर, फिर नई जगह आप एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई ज़रूर। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।